एनर्जी कैरिड बाय ईएम वेव्स। ये प्रूव करने को आ सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो एनर्जी है वो आधी इलेक्ट्रिक है और आधी मैग्नेटिक है, ये प्रूव करो। तो आप पहले एक काम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है। और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी हमने की थी, ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है। तो आपने फॉर्मूला लिख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का, क्लियर है यहाँ तक। इन दोनों को आप डिवाइड कर दें, इन दोनों को आप डिवाइड कर दें, ठीक। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को आप डिवाइड करें, हाफ से हाफ क्या हो गया, कैंसल। तो रीअरेंज करके आपके पास ये टर्म आ गई, ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक, ये स्टेप क्लियर है। तो रीअरेंज करके ये टर्म आ गई। अब मुझे एक चीज़ बताएं, सी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू है, तो सी की वैल्यू क्लियर है, तो सी को इसको स्क्वेयरिंग करेंगे तो आपके पास ये टर्म आएगी, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास ये टर्म आएगी। तो यहां पर ये जो टर्म है इसकी जगह क्या पुट करेंगे, 1 बाय सी स्क्वायर, और e बाय b की रेशियो क्या होती है, सी स्क्वायर। तो आंसर डिवाइड करके क्या आएगा, 1। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, सेम। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, ठीक।